एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का स्वागत है नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइज, आज हमने सोचे है कि व्लॉग हम कुछ इस तरह बनाने वाले हैं क्योंकि सुफियान के मॉम नौशीन दानिश आए हुए घर पे। तो मैंने सोची कि क्यों ना सुफियान के साथ एक चैलेंज किया जाए, मतलब उनको चॉइसेस मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, बट उनके पीछे मैं खड़े रहूंगी। कैसे मतलब, वो मेरे आगे बैठेंगे, वो ब्लाइंड फोल्डेड रहेंगे और पीछे मैं उनको दो कपड़ों के ऑप्शंस दूंगी। अब उनको कपड़ों के ऑप्शन में से राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड ऐसा करके चूज करना है और जो भी वो चूज करे उनको वो चीज पहनना है और सबका रिएक्शन फिर मैं कैप्चर करने वाली हूँ। तो गाइज, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सुफियान को मालूम है कि मैं चीटिंग नहीं करने वाली हूँ। उसमें मैंने सुफियान को बोलूंगी कि एक तुम्हारा कपड़ा रहेगा, एक मेरा कपड़ा रहेगा, पर जिस टाइम पे वो चूज करेंगे तो मैं स्विच करके मेरा ही कपड़ा उनको चूज करने लगवाऊंगी, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ प्रैंक विद हिम आई एम प्लानिंग। तो लेट्स सी कैसा जाता है, आई होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे आए है सब लोग। हेलो, तो आप लोगों को तो पता है ना, मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या चैलेंज वीडियो है। सुफियान को कुछ चीजें चूज करनी है ब्लाइंड फोल्डेड और वही चीजें फिर सुफियान को पहननी है। अरे, ब्लाइंड फोल्ड का सिस्टम है ना, मेरे लिए बहुत अनलकी है। तुमको भी मैंने ऐसी पसंद किया था। हाँ, जबरदस्ती। हाँ, चलो चलो, फिर इसी के साथ सुफियान के साथ किया जाता है चैलेंज वीडियो। चलो सुफियान, कम ऑन योर हॉट सीट। ओके, तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर सुफियान को ऐसे कुछ नहीं दिखने वाला है। सुफियान को तो अंधा कानून बन के बेटा मेरी पीछे भी आ गए। हाँ, समझे? जबरदस्ती। सिर्फ तुमको मैं दो ऑप्शन दूंगी यार सुफियान, और तुमको बोलेगी रेडी, तो तुमको फटाक से अपना राइट या लेफ्ट हैंड उठाना है। काश उस वक्त भी मुझे ऑप्शन मिला होता। किस वक्त? इस वक्त अपने घर ले। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सुफियान को एक ये टी शर्ट और एक ये टी शर्ट। चलो सुफियान रेडी। अरे तो मेरे को समझ रहा कौन सा टी शर्ट, ये टी शर्ट तुमको कौन सा, राइट या लेफ्ट? हाँ, ऐसा ही राइट या लेफ्ट, राइट और लेफ्ट चूज करो। सो गाइस, बॉयज आर नेवर राइट, तो लेफ्ट। ए ए लेफ्ट, तेरा लेफ्ट बोल। ठीक है, इतना गंदा हंसी है, मतलब कुछ तो गंदा ही लग रहा है। अब एक और एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ओके, क्या है ऐसा, इसकी हंसी नहीं दुख रही है। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। असलियत देख नहीं पाएगी, ऐसा पूछेगा। अब राइट। शॉर्ट हो गया अभी। लेफ्ट या राइट? राइट। राइट, हाँ। ओके, अब हर चीज तो जब हंस रहे हैं, हर चीज गलत, ऐसा कैसा हो ही नहीं सकता। मैं हर चीज गलत बोल रहा हूँ। उल्टा कर दे रहे, मतलब अगर चीटिंग हो रही है मेरे साथ तो मेरे को ब्लॉग में पता चल जाएगा और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा गंदा बदला लूंगा ना मैं चीटिंग करने का। अभी याद रखना, तुमको लगता है मैं चीटिंग करूंगी? हाँ, यहाँ पे मेरे चार गवाह रखे हैं, तो सारे नहीं, साढ़े तीन गवाह है आपके हमारे पास। साढ़े तीन नहीं, इसके पेट में भी है चार। चलो 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 चलो, रेडी है राइट या लेफ्ट? अबे कितने कुछ पिना रहे हो, सही राइट। ओके, अरे ये कैसा? ओके ओके, तुम्हारा सेट रेडी। नाउ प्लीज गो टू द रूम एंड चेंज एंड कम पकड़ो। तुम्हारे सारे कपड़े यहाँ पे लगते, यहाँ पे रेडी है, देखते ये सब पहन के आई मोहतरमा। इतनी बदनसीबी के साथ सब लड़की के कपड़े चप्पल ही नहीं है मेरे पास। तो ऑडियंस में और दो लोग जुड़ चुके हैं। हेलो आरती। हाय अरसलान भाई। क्या चीज़ की? सुफियान के साथ एक चैलेंज हुआ है, चीटिंग हुआ है। और अभी सुफियान के साथ थोड़ी सी हम लोग ने चीटिंग की है। तो गाइस मैं जाती हूँ अंदर और मैं देखती हूँ कि बराबर चीजें पहन रही है नहीं पहन रहे, मालूम पड़ा अंदर जाके चेंज तो नहीं करती है। आज मैं अम्मी के वजह से फंस जाती। अम्मी ये काइंड ऑफ प्रैंक है, पलटी थी ना बात। हाँ, बहुत अच्छे से गए पलटी। तो कोई नहीं, बच गए हम लोग। सुफियान को पता नहीं, अब जब वो व्लॉग देखेगा सुफियान आएगी। सुफियान, हाँ, दिल थाम के बैठिए, तुम्हारी एक बहन।
अरे जल्दी करो सुफियाना। 3, 2, 1 एंटर। कौन है मोहल्ले में जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? बहन अपर लिप करा कराओ। बहन ने अपर लिप नहीं की है। कभी बाइसेप वाली देखी? ये देख मेरे डोले। अभी तुमको ऐसे ही डर है मिसबा के घर पे। दैया मेरी इज्जत ना लूट जाए। अबे यानी तो ऐसा वैसा इतने लड़के कपड़े पड़े हैं। अभी तुमने जो चूज किए लिफ्टिंग भी लगाओ ना। चलो पब्लिक डमा। मेरे दो, एक लड़का एक लड़की थे, अभी दो लड़कियां हो गई। अरे सुफियान तुम्हें चप्पल नहीं पहने? चप्पल पहने, हील्स नहीं है ना मेरे पास साइज की। ओनली 6 feet। मैं तैयार हूँ अर्चना उनसे शादी करने के लिए। सिंगर रहना चाहते हैं जिंदगी भर। बहन बाइक में तुम छोड़ दी, क्योंकि पीछे और कोई मिली बड़ी दिख सलमान खान मुझे बना था ना। नहीं वाला स्टेप हो जाए। कैसा करते? नहीं लगता बहुत इजी है। फातिमा आपकी दो मामी। ये सदने में इसको दो दिन ना सदने में रहने दूंगा। तो गाइस ओहो क्या चाल है, नया नया माल है। सुफियान भाई का इतना हिस्सा ना एकदम अमेरिकन पंक जैसा दिख रहा है। लोग से जाके मिलते क्या? नहीं नहीं जान दो, लोग रात भर सोएंगे। कल से तुम्हारी सलाम साहब बोलते फिर बोलेंगे सलाम मेम साहब। चलो कल को क्या बोल ढूंढते ओपन है जगह कहां गई वो। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं मिस बाग यहां पर, सब चुप के बैठे हुए यहां पर। हाय गाइस। गबरू जवान कहा ठंडक तुम्हारे नाम। तो गाइस कैसी लग रही है हमारी सुफियाना? देखो मेरी चोरी के पीछे क्या है। वोटिंग भी आप जीत चुके हो ये चैलेंज। मेरी सहेली और सभी कुड़ी खेलेंगे। चलो अभी बस करो, चलो अभी ऊपर चलो। चलो चलो गाइस बाय, मिलती हूँ कल आपसे। तो गाइस सबका रिएक्शन तो आपने देख चुके हैं हमारी सुफियाना के लिए, और बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं थी कि। पर सिर्फ मुझे तुमसे एक चीज कन्फेस करना है। क्या बोलो? कि मैंने ना थोड़ी सी चीटिंग की थी। यार इधर तुमने जबरदस्ती मेरी पूरी बिल्डिंग में फिल्म बनवा दी यार। बिल्डिंग में बात फैल, पूरी बिल्डिंग में
पूरी बिल्डिंग में वाला। जाने मन यार दीदा, तुम तो मेरी बेइज्जती करवा दे पूरी यार। कोई बात नहीं बेटा, इसका बदला मैं तुम्हारे से लूंगा। इसका बदला लूंगा ना कि रस्ते में तुम्हारे को देख के बोलेंगे कि नौवा आजूबा जा रहा है, तुम्हें जो बड़े होकर तुम आठवा आजूबा था, अब इससे तुम्हारा नौवा आजूबा होने वाला है, देखना। तो मेरा बदला नहीं लेते, समझा ना। अच्छा औरत कुछ भी करे वो चलेगा, चीटिंग करे तभी जाके तू इतनी खूबसूरत बनी। हां तो मैं ऐसा नहीं पहनते, तो इसलिए चीटिंग करना पड़ा। अच्छी लगी थी क्लॉक की। तुमने जो मेरे को होट के वजह से इतना सब कुछ बोला थे, बंदर का पिछवाड़ा प्याला, उसका सब बदला ही है बेटा। वीडियो ट्रेंडिंग में बेटा 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज हुए इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आल्सो विद ऑल द फन एंड एवरीथिंग थोड़ा हम साइड में रखते हैं और ये चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ओडिशा में जो अभी फिलहाल हुआ है कि 3 ट्रेन का जो टक्कर हुई है, पता नहीं मतलब ऐसे सुन के एकदम अजीब सा लग रहा है कि इतनी सारी डेथ्स भी हो गई है। अल्लाह करे उनकी सारी फैमिली को अल्लाह पाक सबर अता फरमाए। पता नहीं उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, कौन कहाँ से ट्रैवल कर रहा होगा, कौन अपने वाइफ से या अपने घर वालों से मिलने के लिए दूर से आ रहा होगा। आई मीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है गाइज, आप लोग भी प्रे कीजिए, हम भी प्रे कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी फैमिलीज टूट गई है उसमें। इसलिए कहते हैं ना कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की जिंदगी कब चुटकियों में खत्म हो जाए, कब वो हो जाए, इसके लिए बोलते हैं अच्छे काम करो। कैसे हादसे में डरते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा जगह तो वैसा हो जाएगा, नहीं कुदरती हादसा होता है, अब तो घर में बैठे हो जाता है, बिल्डिंग गिर गई तो फिर क्या कर सकते। बहुत बुरा है, जिसके घर वाले ट्रेवल कर रहे हैं कि उसी पे बीत रहेगी, कि मतलब उनको कैसा फील हो रहा है जब वो न्यूज आई रहेगी, सुन के इतना बुरा लग रहा है। तो गाइस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, और हमारी सुफियाना कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें तो बड़ी प्यारी लगी हमारी सुफियाना, एंड थैंक यू, मैंने बहुत अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल मतलब चूज की थी सुफियान के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, नहीं कुछ भूल गई हूँ मैं, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, एंड लव यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।